नमस्कार, मेरा नाम देवांश असोपा है। मैं कक्षा चौथी का छात्र हूँ। आज मैं आपके लिए मुहावरों से सजी कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इस कहानी का शीर्षक है अक्ल आना। यह कहानी एक लड़के की है जिसका नाम डोलू था। डोलू अपने घर में सबकी आंखों का तारा था, पर उसके दिन में सपने देखने की वजह से सब परेशान रहते थे। उसके माता पिता ने भी उसे समझाया कि अपने अक्ल के घोड़े मत दौड़ाया करो, पर वह मानता ही नहीं था। एक बार उसे लगा उसके पास शक्तिमान की शक्तियां आ गई हैं। वह यह सोच सोच कर फूला नहीं समा पा रहा था। उसको लगा वह अपने बल से सबको नाकों तले चने चबा सकता है। उसने डंके की चोट पर अपने विद्यालय के पहलवान छात्र भीमा को पहलवानी के लिए ललकारा। उसकी बात सुनकर सब समझ गए थे कि उसने स्वयं ही अपने सिर पे अंगारे बरसवा लिए हैं। पर उसका अभिमान सातवें आसमान पर था। उसके मित्रों ने भी उसे समझाया, पर उसके कान पर जू भी ना रेंगी। अब तो सभी समझ गए थे कि डोलू को समझाना व्यर्थ है। उसने तो स्वयं ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार चुकी है। अब वह दिन आया जिस दिन भीमा और डोलू के बीच में पहलवानी का मुकाबला होना था। भीमा को देखते ही डोलू की हवाइयां उड़ गई। भीमा के एक दाव से डोलू चारों खाने चित रह गया। सब उसकी खिल्ली उड़ाने लगे। डोलू को तो जैसे दिन में तारे ही दिख गए। उसने कान पकड़ के तौबा कर ली कि आगे से वह कभी भी अपने अक्ल के घोड़े नहीं दौड़ाएगा। इसे कहते हैं मुंह की खाकर